हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और टू कलर स्वेटर डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 5x5 प्लास करके फंदा लिया। आपको जितना फंदा लेना है आप 5x5 प्लास करके फंदा ले लीजिए। और ये डिज़ाइन की फ्रंट साइड है, देखिए इसका सफाई, और ये बैक साइड है, और ये दो दो सिलाई की ही डिज़ाइन है फ्रेंड्स। और 5 फंदे में ये डिज़ाइन बनता है, 2 सिलाई में ये डिज़ाइन कम्प्लीट होता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और ये डिजाइन बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें 5x5 प्लास करके मैंने इसमें फंदा डाल लिया। तो एक सिलाई मैंने सीधे की साइड से सीधे बीन लिया, और ये डिजाइन वैसे मेरे उल्टा साइड से शुरू होता है, तो मैंने देखिए ये उल्टा साइड में आ गया। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये डिजाइन की फर्स्ट सिलाई है। फर्स्ट सिलाई में देखिए, तो डिजाइन की फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में मेरा दूसरा कलर लगेगा, और ये उल्टा साइड से मैं बना रही हूँ। पूरा एक सिलाई उल्टा उल्टा बना लेना है, इसमें कोई भी फंदा आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको उल्टा उल्टा बीन लेना है फ्रेंड्स। पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो उल्टा साइड से मैं शुरू किया, तो उल्टा साइड से पूरा सिलाई मैंने उल्टा उल्टा बनाया, लेकिन बॉर्डर छोड़ के। तो देखिए फर्स्ट रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब रो टू सीधा साइड, अब सीधा साइड में ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, 2 सिलाई की ही है। पहला फंदा स्टिच वाला, इसको बिना बुना ले लिया। अब देखिए धागा आगे किया, अब देखिएगा एक, ये दो, दो फंदा स्लिप, अब देखिए एक, ये दो फंदे को हमें एक साथ बीन देना है। तो देखिए दो फंदे को एक साथ बीना, अब देखिएगा एक फंदा जो मेरा यहाँ कम हुआ, ये फंदे को मैंने उठा लूंगी। तो कैसे, देखिए एक जाली के साथ एक उल्टा फंदा। तो देखिए मेरा जो फंदा घटा हुआ था, ये फंदा मैंने इधर बढ़ा लिया। तो देखिए यही 5 रो को आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे को हमें रिपीट करना है। तो देखिए फिर से एक, ये दो, स्टिच वाला छोड़ के देखिए एक, ये दो, दो फंदा मैंने स्लिप किया, धागा मेरा आगे रहेगा, और ये दो फंदा एक, ये दो फंदे को एक साथ हमें बीन देना है। दो फंदे एक साथ बीना, अब एक जाली, देखिए एक जाली लिया, एक फंदे उल्टा बीन दे। देखिए फिर से हमें 5 फंदा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 मेरे डिजाइन बन गया। अब फिर से देखिए वही रिपीट करना है, एक, ये दो, दो फंदा मैंने स्लिप किया, अब एक, ये दो, दो फंदा को उल्टा बीनना है, दो फंदे को उल्टा बीना, एक फंदा देखिए इसका जाली बना दिया, अब जाली के साथ इसको उल्टा फंदा बीन लिया। तो देखिए फिर से मेरा 5 फंदा हो गया, 1 2 3 4 5, अब फिर से देखिए एक, दो, दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को उल्टा बीना, अब देखिए एक जाली के साथ एक उल्टा फंदा, अब लास्ट का एक बचा हुआ फंदा इसको उल्टा ही बीन लिया। तो देखिए मेरा 2 सिलाई कंप्लीट हो गए। यही 2 रो के डिजाइन है, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए ये सिलाई मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए येलो से मुझे फिर दो सिलाई बनाना है, 2 सिलाई मैंने इससे बनाया, अब दो सिलाई बनाऊंगी येलो से। देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था वैसा ही बनाना है। तो देखिएगा कैसे पूरा सिलाई फर्स्ट रो जैसे उल्टा उल्टा बीन लेना है। दो दो सिलाई की डिजाइन है, देखिए 2 सिलाई इसमें बनाया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस येलो से 2 सिलाई बनाऊंगी, यही 2 सिलाई को आपको रिपीट करना है। ये बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। ये डिजाइन आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी में भी आप डाल सकती हो। और ये डिजाइन जो है ना बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार जरूर ये ट्राई कीजिए ये डिजाइन को।
देखिए फर्स्ट रो की तरह ये सिलाई मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये डिजाइन जो मेरा यहाँ बना है अब ये डिजाइन को इधर बनना, क्योंकि ये डिजाइन मेरा तिरछा बनता है तो इस साइड से बनेगा। आपको हमेशा याद रखना जो एक जाली वाला फंदा होता है इसी जाली वाले फंदे में ही बनाना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला हमें दो फंदा स्लिप किया था, अब हमें क्या करना है, ये पहला फंदा स्टिच वाला, इसको स्टिच वाला बिनना है। अब धागा आगे किया तो दो फंदा मैंने पहले स्लिप किया, अब दो फंदा स्लिप नहीं करना, अब हमें एक ही फंदा स्लिप कर लेना है। देखिए अब मैंने एक ही फंदा स्लिप किया, अब ये जो दो फंदा है अब हमें क्या करना है, ये दो फंदे को उल्टा बीन देना। देखिए ये दो फंदे को उल्टा बीना, अब ये मेरा जाली वाला फंदा आ गया, इसी में हमेशा हमें जाली बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए एक जाली, अब फिर से देखिए ये बीच में ये दो फंदा आ गया, ये पहला ये दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को उल्टा बीन दिया, अब एक जाली के साथ इसको, ये देखिए जाली वाला फंदा है इसमें जाली बीनना है। देखिए जाली बीना, अब फिर से एक ये दो दो फंदा स्लिप, ये दो फंदे को क्या करना है, ये जाली ये बीन देना है। अब एक जाली आ जाएगा इधर, ये जाली वाला फंदा मेरा ये है तो इसको जाली बीन दिया। अब फिर से देखिए एक दो दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को बीन लेना है एक साथ करके, दो फंदे को एक फंदा बना दिया। अब एक जाली, अब देखिए ये जाली वाला फंदा हमारा इधर है तो इसको जाली बीन लिया। अब लास्ट का ये दो फंदा उल्टा बीना, तो देखिए दो सिलाई मेरा येलो से हो गया। अब फिर से देखिए यही सिलाई को आपको रिपीट करना है, अब देखिए फिर से यही रिपीट करूंगी। अब ये जो ये धागा, इससे एक सिलाई पूरा उल्टा के साइड से आपको उल्टा उल्टा ही बनाना है, लेकिन धागा को चेंज करके बनाना है फ्रेंड्स। और प्लीज फ्रेंड्स, मेरा और भी एक चैनल है, प्लीज इसमें जैसे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया तो ये चैनल को बहुत आगे बढ़ाया। और मेरे और भी एक चैनल है, उसका नाम है कुकिंग विद अक्लीमा, प्लीज उसमें भी जाके देख लीजिएगा और उस चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिएगा और उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने खाना बना के डाली हुई, आप देख लीजिएगा। तो देखिए उल्टा साइड में पूरा सिलाई मैंने उल्टा उल्टा बना लिया, अब आई इसका सीधा साइड। अब देखिए सीधा साइड में ये डिजाइन मेरा देखिए ये बनने लगी है, ऐसे तिरछा तिरछा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, एक फंदा स्लिप कर देना है। तो हमने एक फंदा जैसे अब स्लिप किया था पिछले सिलाई में, अब हमें एक भी फंदा स्लिप नहीं करना। अब देखिए ये दो फंदा जो है ना, ये दो फंदे को उल्टा बीन दे, देखिए दो फंदे को उल्टा बीना, अब ये आ गया हमारा जाली वाला। अब ये जाली वाला देखिए एक जाली, इसके साथ जाली के साथ इसको उल्टा बीना। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, ये दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को एक फंदा बना देना है। दो फंदे को एक फंदा बनाया, अब ये जाली वाला फंदा आ गया मेरा, एक जाली एक फंदा उल्टा। अब फिर से देखिए दो फंदे को स्लिप किया, अब ये दो फंदे को एक फंदा बनाया, एक जाली जाली के साथ एक फंदा उल्टा। अब फिर से दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को एक फंदा बीना, अब एक जाली, ये जाली में से जाली को उल्टा बीनना है। अभी दो फंदा स्लिप किया, लास्ट में एक फंदा बचा हुआ, इसको उल्टा बीना। तो देखिए मैंने आपको तीन डिजाइन बना के दिखा दिया, आशा करती हूँ डिजाइन आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको बीनना है, देखिए अब फिर से आप शुरू कीजिएगा। तो देखिए ये जो हमारे उल्टा साइड आ गया, अब ये धागा भी चेंज हो जाएगा। देखिए येलो कलर से बीनना है आपको, पूरा सिलाई उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से आपको ये डिजाइन बनाना है, यही टू रो को आपको रिपीट करना है बार बार। देखिए ये देखिए मेरा डिजाइन अभी ऐसे ही देखिए तिरछा बनने लगी है। अब हमें वही रिपीट करना है, देखिए ये फंदे को मैंने स्लिप कर लिया, धागा आगे किया, एक फंदा मैंने उल्टा बीन लिया, देखिए एक फंदा उल्टा बीना, अब ये जाली वाला आ गया। अब फिर से हमें ऐसे ही जाली डाला, जाली में जाली बना दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, ये दो फंदा स्लिप, अब ये दो फंदे को उल्टा बीना, अब एक फंदा जाली, अब ये जाली वाला आ गया मेरा, देखिए इससे तिरछा आ रहा है,
ये जाली को ऐसे ही बीन देना है। अब फिर से देखिए, ये दो फंदा स्लिप, ये दो फंदे को एक फंदा बना दिया, एक जाली, एक फंदा उल्टा। अब दो फंदा स्लिप, दो फंदे को एक फंदा बनाया, एक जाली, एक उल्टा। अब दो फंदा स्लिप, लास्ट में देखिए दो फंदा मेरा उल्टा बना लेना है, क्योंकि इधर धागा फंदे को कम नहीं करना हमें। ये देखिए, तो मेरी डिजाइन बनाने का तरीका आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे बनी है, और कोई भी आपको बनाने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।